नमस्कार, आप सभी का न्यूज़ 18 इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त मेरे सामने संदेश खाली की दो पीड़िताएं मौजूद हैं। ये पश्चिम बंगाल से दिल्ली आई हैं, इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति महोदया से इनकी मुलाकात होनी थी। वो मुलाकात हो गई है और उन्होंने, इन पीड़िताओं ने और बाकी तमाम जो संदेश खाली की विक्टिम्स हैं, उन्होंने ये गुहार लगाई है कि हमें आज भी, जबकि शेख शाजा गिरफ्त में है, डर लगता है उस ज़मीन पर, इसीलिए हमारी सुरक्षा की व्यवस्था की जिम्मेदारी कोई तो ले ले। आज ये दो पीड़िताएं जो हमारे साथ मौजूद हैं, वो बांग्ला में ही बात करती हैं और इसीलिए उनके साथ डॉक्टर पार्था विश्वास भी मौजूद हैं, जो कि बंगाल के CSSR के डायरेक्टर हैं। इन महिलाओं के लिए लगातार वो लड़ाई लड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। दोनों अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाहती हैं और हम इसका पूरा सम्मान करते हैं। एक से मैंने पूछा कि क्या कहकर पुकारना पसंद करोगी, तो एक ने कहा कि मुझे आप रिया पुकारिए और एक ने कहा कि आप मुझे झुम्पा पुकारिए। तो सबसे पहले रिया, शुक्रिया कि इतनी तकलीफ़ के बावजूद आप यहाँ पर आई हैं न्यूज़ 18 इंडिया से बात करने के लिए। मेरे सवाल थोड़े से कड़े होंगे, दोबारा आपको परेशानी में लेकर जाएंगे उस पुराने आपके इतिहास में, लेकिन मैं चाहती हूँ कि देश की जनता को पता चले कि संदेश खाली में हुआ क्या, आपके साथ क्या क्या हुआ और क्या आप कभी शेख शाहजहाँ से मिली, उनके लोगों से मिली, वो हाजरा या हजारा जिसका नाम है, उनसे मुलाकात कभी आपकी हुई? माइक अगर आप। জমি লিজ নিয়ে চাষ করি, সেই ধানে 12 দিন টাইম ছিল, ধানে ধান কাটতে, সেই ধানেতে জল তুলে দিয়েছিল, আমাদের দোকান ভাঙচুর করেছে, আমার বাবাকে খুব মারধর করেছে, আমাকেও খুব মারধর করেছে, আমরা খুব অশান্তির মধ্যে মানে ছিলাম, আছিও এখনও। আমাদের 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 দোকান দোকানের জিনিসপত্র, কিছু আসবার সরঞ্জাম সব ওখানেই আছে, আমরা কিছু বাড়িতে নিয়ে যাইনি। আমাদের রাত্রে 12টার পর পার্টি অফিসে ডাকা হতো। मैं थोड़ा बहुत जो समझ पाई हूं, आप ये कह रहे हैं आपके पिता को बहुत मारते थे। हां, आपकी जमीन, आपकी खेती जो है, हाँ, वो ये लोग छीन लेते थे। छीन लेते थे। ये कौन लोग थे जो ये करते? शिव हजरा, शाहजान शेख, उत्तम सर्दार, দীনবন্ধু দাস আছেন, আবার অন্য শিক্ষকটা নাম সঞ্জয় মণ্ডল আছেন, আরও এনে সাক্রেতরা আছেন। এরা ওরকম আমাদের উপরে সবসময় টর্চার করেন কিংবা বাজে ভাষায় কথা বলেন। আমাদেরকে যখন যখন যেখানে ডাকবে সেখানে আমাদেরকে যেতে হবে। আমাদের ছোট ছোট দুটো বাচ্চা আছে, আমাদেরকে এইসব ফেলে রেখে যেতে হবে। যদি না যাই, আমাদের রাত্রিবেলা এসে বলবে তোদের ব্যবস্থা করবো আমি ঘুরে আসি বলে আমাদেরকে হুমকি দিয়ে যায়। গিয়ে সেখানে বলে, যখন বাইক বাহিনীরা আসেন, সাধন শেখ কিংবা উত্তম সর্দারদের বাইক বাহিনীরা আসে, তখন আমাদেরকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। নিয়ে গিয়ে আমাদের পার্টি অফিসে মারধর করা হয়, খুব মারধর করেন, কিংবা আমাদের রাত্রিবেলা বারোটার সময়ও তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। নিয়ে গিয়ে ওখানে পিঠে বানানোর কথা বলেন, সেখানে আমরা পিঠেও বানাই, সেখানে আরও মহিলারা থাকেন, তো তাদের উপরে টর্চার হয়। ওই দেখে আমি ওখান থেকে চলে আসি, মানে পালিয়ে আসি। अगर अगर आप बता पाए कि ये जो बोल रही है कि इनका ये बोलना है कि इनके जो हस्बैंड है उसको भी जमीन छीन लेने के बाद, इनका जो अपना जमीन है वो जमीन भी छीन लिया गया है, और जमीन छीनने के बाद इनको जबरदस्ती रात को बुलाते थे पार्टी ऑफिस में वो पीठा बनाने के लिए। उसमें सिर्फ ये नहीं है, संदेश खाली की और भी बहुत सारे महिलाएं हैं जिनको ज़बरदस्ती उठा के लेके जाते थे। और इनके दो बच्चे हैं, उस बच्ची को घर में छोड़ के इसको जाना पड़ता था रात को पार्टी ऑफिस में। और इनके जो ज़मीन है वो भी छीन लिया गया है, एक दुकान था उस दुकान को भी पूरा वैंडलाइज्ड कर दिया गया है। इनको इतना मारा कि ये काफ़ी महीना तक ये इनका तबीयत ख़राब रहा, ये हॉस्पिटलाइज भी रहे हैं। और ये सिर्फ इनके साथ नहीं है, हालांकि ये संदेश खाली को
दिल्ली में रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन हजारों महिला के साथ इस तरह का अत्याचार वहाँ पे होता है। इन्होंने तीन नाम लिए, एक है शेख शाहजहान, हाँ। दूसरा है उत्तम सरदार, तीसरा है शिवू हाजरा। ये सारे वहाँ पे बड़े बड़े पॉलिटिकल डॉन है। शेख शाहजहान तो वहाँ पे ब्लॉक प्रेसिडेंट भी है और पंचायत समिति का एक मतलब काफ़ी बड़ा इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है। आपकी कभी मुलाकात हुई शेख शाहजहां से? किस से मुलाकात हुई आपकी? ये कौन थे जो आपको बुलाते थे? স্থানীয় ছেলেরা আছেন, ওরা এসে বলতো যে তোকে শিবুদা ডেকেছে। এবার যদি বলতাম যে আমরা আজকে যেতে পারবো না, তো তখন ওনাদের বাইক বাহিনী এসে আমাদেরকে তুলে নিয়ে যেত। তো যাব বুলানে কে লিয়ে আপকো আতে থে, তো আপকে হাজবেন্ড আপকো রোকতে নেই থে মতলব? হ্যাঁ, বলতো তো ওনাকেও মারধর করতো। তা বলবে কি যে তুই একা ভোগ করবি, আমরা ভোগ করবো না, এরমভাবে। जो ये शेख शाहजहान शिबू हाजरा का जो बाइक का बाहिनी है वहाँ पे, वो शेख शाहजहान का अपने एक आर्मी खड़ा कर लिया उसने, हाँ। तो वो लड़के लोगों को भेज देता था इनके घर में, ऐसे महिलाओं का घर में, इनको ले जाने के लिए। अब इनके जो पति है वो अगर इस चीज़ को रिटेलिएट करे, रेसिस्ट करे या माना कर दे, तो उसको भी मारता था और उसको ये बोलता था कि तुम स्वामी हो सकते हो लेकिन अधिकार अपना है इनके ऊपर। तुम स्वामी हो सकते हो लेकिन अधिकार अपना है इनके ऊपर, तू अकेला सिर्फ इसको भोग करेगी। और ये कब से हो रहा है आपके साथ रिया? ये कब से हो रहा है इनके साथ? एटा होच्छे आज 12 साल तक है। 2012 से? 2012 से है। 2012 से हमरा यही नहीं, एक बार आंदोलन माने प्रतिवाद करे छिलम, थाना गिए छिलम, तो सेखाने थानार ओसी आमादेर যে আমরা কমপ্লেনটা জানিয়েছিলাম, লিখিত দরখাস্ত দিয়েছিলাম, ওইটাকে আমাদের সামনে উনি ছেড়ে ফেলে দেয়, দিয়ে বলে শেখ শাহজাহানের কাছে যা, শিবু হাজারার কাছে যা, এইসব বিচার ওনারাই করবে। তো আমরা আগের থেকে মার খেয়ে আছি, তো আমরা এইসব ভাবসাব দেখে আমরা আর ওনে যখন ওইভাবে কথা বলেছে আমরা সেই দিক থেকে আমরা আর এগোয়নি। 5 জানুয়ারি ইডি আসে সন্দেশখালি, শাহজাহান শেখের বাড়িতে রেশন দুর্নীতির কাণ্ডে ওখানে ইডি আসে, ইডির উপরে হামলা হয়। যখন হামলা হয় শাহজাহান শেখ অধরা, মানে এখানে সেখানে যখন ঘুরে বেড়ায়, তখন আমরা সাহস পাই যে এইবার আমরা প্রতিবাদ করতে পারবো, যে প্রতিবাদ করব। সবাইকে আমি বলি, সবাইকে নিয়ে আন্দোলন করি যে এইবার আমাদের সুযোগ, আমরা রুখে দাঁড়াবো। ये 2012 से ये घटना हो रहा है और इन्होंने जब पुलिस के पास ये कंप्लेन लेके गया तो पुलिस सीधा उनको बोला कि जाके कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, शेख शाहजहान शिबू हाजरा इनसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, क्योंकि वही लोग तुमको बचाएंगे। यानी कि जो एक्यूज्ड है उन्हीं के पास भेजा जा रहा है जस्टिस के लिए। और जब ये जनवरी का फर्स्ट वीक ऑफ द जनवरी जब ईडी का ऊपर आक्रमण हुआ और उस आक्रमण के बाद जब शेख शाहजहान एब्सकॉन्डेड हो गया, भाग गया, तब ये लोग जाके इनको साहस मिला कि अब जाके हमें अपने विषय को बोलना है। तभी से इन्होंने और इनके साथ जैसे इतना जो पीड़िताएँ हैं ये सभी इकट्ठा होकर इस विषय को सामने लाया कि आंदोलन करेंगे, आंदोलन करेंगे। और क्योंकि इनके जमीन अभी भी उनके पास है और वो लेना एक बहुत बड़ा बात है, क्योंकि हमारे साथ झुम्पा भी यहाँ पर मौजूद है। झुम्पा, आप अपने बारे में कुछ बताइए, और आप भी उसी इलाके में रहती हैं जहाँ पर रिया रहती हैं? আমি সন্দেশখালি থাকি। আমার জমি জল জমি কেড়ে নেওয়া হয়েছে, মানে নোনা জল তুলে দেওয়া হয়েছে জমিতে, গরমে ধানে চাষ করেছিলাম সেই জমিতে জল তুলে দিয়েছে। এবং আমরা হাতে পায়ে ধরেছি কিন্তু আমাদের কথা শোনেননি উনি, আর বলছে না এ জল কর করতে হবে, আমাদের মাছের সিজন চলে যাচ্ছে বলে এইভাবে নোনা জলে আমাদের কথা শোনেনি উনি, মানে নোনা জল তুলে দিয়েছে। আর আমরা মিটিংয়ে, উনি মিটিং ডাকেন, মিটিংয়ে গিয়ে যাবো, কিন্তু আমরা মহিলাদের যেতে হবে, বেটা ছেলে গেলে হবে না, সেখানে মেয়েদেরকে যেতে হবে, গিয়ে ভোটের সময় রাত মানে প্রচারে বেরোতে হবে, অন্যদের বাইকে করে অন্য অন্য জায়গায় আমাদেরকে প্রচারে যেতে হবে,
সাতটা আটটায় সময় আমাদের রাত আসতে হবে তখন। ये बोल रहे हैं कि दलित महिलाएं हम लोग, हमें जबरदस्ती उठा के लेकर जाते थी वोट का कैंपेन के लिए, और महिलाओं को कैंपेन के लिए ले जाके रात को 8-9 बजे फिर इनको वापस भेजते थे। जो इन्होंने काम किया है उसका भी, जो 100 दिन का जो काम है, इस तरह का जो काम है, उस काम का जो पैसा है वो भी इनको नहीं मिलते थे। इन्होंने हाथ पैर भी पकड़ा था उनका कि वो जो ज़मीन हम लोगों का है उसी ज़मीन पर, इन्होंने जो एग्रीकल्चर लैंड है उस एग्रीकल्चर लैंड में जो 10-12 दिन और बचा है कि उस फसल को ये लोग काट के लेके आएंगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अभी फिशरी का टाइम, एक फिशिकल्चर भेरी होता है वहाँ पे जहाँ पे मछली पालते हैं, तो उस ज़मीन पे इन्होंने सॉल्ट वाटर अंदर करवा दिया ताकि उस ज़मीन का जो फर्टिलिटी है वो पूरा ख़त्म हो जाए और उस ज़मीन पर वो लोग फिर भेरी करते हैं फिशरी। इस तरीका से इन्होंने हाथ पैर पकड़ के भी उनको रिक्वेस्ट किया कि आप 10-12 दिन समय दे दो, हमारी ज़मीन है, हम फसल को काट के उठा ले। वो भी समय इनको दिया नहीं गया और उसको जबरदस्ती जब्त कर लिया गया है। तो ये कितने लोग होंगे, कितनी महिलाएं होंगी? আচ্ছা, অনেকজন আছে। আমরা একসঙ্গে আন্দোলন করেছিলাম, কিংবা আমার সঙ্গে যারা এই ঘটনা ছিল তারা অনেকেই আছে, 10-12 জন আছে। আর 2012 সে কিতনে ইয়ে বতা রহি হ্যায় কিতনি মহিলাएं হ্যায়? মহিলাएं বহুত হ্যায়। মাইক, হ্যাঁ, इनके साथ हजारों महिला है जिनके साथ इस तरह का जो पीड़िता है, जिनके साथ इस तरह का एट्रोसिटीज हुआ है। और ये जब थाने में जाते हैं, इन्होंने ये पर्सनली एक बार थाने में गया था वो एलिगेशंस लेके, तो इनके सामने उस एलिगेशन को, जो एप्लीकेशन, उसको फाड़ दिया। वो फाड़ दी थी आपकी एप्लीकेशन? हाँ। और क्या बोला था फाड़ के? ये क्या बोला था? শিবু হাজরা, পুলিশ নে বলা আপকো? হ্যাঁ, আমি পুলিশের কাছে গেছি, গিয়ে দরখাস্ত জমা দিয়েছি, গিয়ে বললাম, দরখাস্ত জমা দেওয়ার পরে উনি পড়লেন, ওটা পড়ে নিয়ে বলছে এর বিচার তো আমরা করব না, তো তুই শিবু হাজরা সাজান শেখের কাছে যা, ওরাই এর বিচার করবে। আমরা এর মানে ভুক্তভোগী হয়ে আছি 12 সাল থেকে, তো সেখান আমরা ওই ভয়ে গেলেই তো আবার মারবে, তো এই ভয়ে আমরা আর মুখ খুলি নাই। যখন সাজান শেখের বাড়িতে ইডি আসলো রেশন দুর্নীতির কাণ্ডে, আমরা তখন সাহস পাই, যখন ইডির উপরে হামলা হয় আমরা তখন থেকেই সাহস পাই। এই যে পুলিশ কা পাস গয়ে তো ইনকা অ্যাপ্লিকেশন ফাড় দিয়া গয়া ইনকো, আর ইয়ে বাতায়া কি ইয়ে তুম শেখ সাজান আর শিবু হাজরা কে পাস যাকে সেটলমেন্ট কর লো, হাম লোগ কুছ নেই কর পায়েঙ্গে, উনি কা পাস যাও তুম। তো ইনোনে ফির, इनको पता है कि वहाँ पे जाएंगे और उनके अगेंस्ट पे ये, क्योंकि एलिगेशन या एप्लीकेशन दे रहा है पुलिस के पास, तो ये जाएंगे तो फिर ये पीटेंगे, फिर ये, इसके लिए इन्होंने गए नहीं। और उसी तरीक़ा से ये चल रहा है साल भर। जब ईडी के ऊपर आक्रमण हुआ और शेख साजन भाग गए एरिया छोड़ के, शेख साजन को वहाँ पर बादशाह बोला जाता था, वो अपना वहाँ पर शेख साजन फैन क्लब, शेख साजन का अपना नाम पर मार्केट, शेख साजन फुटबॉल टूर्नामेंट, इस तरह का वहाँ पर वो अपना डायनेस्टी चलाते हैं। जमीन इन्हीं का है, वो जो काम वहाँ पे करते हैं, वहाँ पे बीघा मतलब 100 बीघा के ऊपर जमीन चाहिए अपना वो फिशरी के लिए, तो जमीन उसको था नहीं। ये जो दलित महिला व दलित जो परिवार है उनको जो जमीन है, जो सीपीएम का टाइम में बरगा या पाट्टा में दिया था, उसका क्या, बरगा जमीन का लैंड रिकॉर्ड नहीं होता है, और क्योंकि वो 2013 तक सीपीएम में था तो उसको पता था कि किस किस परिवार को इस तरह का जमीन दिया गया है, तो उन्होंने सबसे पहले उसी आदिवासी, उसी दलित को टारगेट किया जिनका जमीन का कोई लैंड रिकॉर्ड नहीं है, जो सीपीएम का टाइम में मिला है। सब एक साथ ही रहते हैं उस जगह? एक साथ ही रहते हैं। अच्छा, अब तो शेख शाहजहां गिरफ्तार हो गया है, तो अब आप सुकून से हैं, अब आपको कोई खौफ तो नहीं है? शेख शाहजहां गिरफ्तार हो गए तो हमारे छोटो बच्चा একটা ভাইরাল হয়েছে, তো ওনাকে বারবার ও ছেলেকে হুমকি দেয়, বারবার আসে আমাদের বাড়িতে, আশপাশ ঘুরে বেড়ায়, বুঝতে পারি কেউ না কেউ আসে। আর আপনি কে রি হ্যাঁ, আপনার ডর হ্যায়, আপনার এক ছোট বাচ্চা হ্যায়, ছোট বাচ্চা, উসকো লেকার আপ ডর রহি হ্যায়? ওকে নিয়ে, মানে ওকে নিয়েও ভয় আছে, আমাদেরও ভয় আছে, যেহেতু আমরা আন্দোলন করছি, মিডিয়ার সামনে যখন কথা বলছি, তো শেখ শাহজাহানের যে সাক্রেতরা আছে ওনারা বলছে যে শেখ শাহজাহান, একটা শেখ শাহজাহান অ্যারেস্ট হয়েছে, আরও হাজার হাজার শেখ শাহজাহান আছেন, আমরা তাদের ব্যবস্থা করব। ক্যা ক্যা কি জব শেখ শাহজাহান ওয়াপস আয়েগা? শেখ শাহজাহান এক নেই হাজারো শেখ শাহজাহান হ্যায়,
शेख शाहजहां को वहाँ पे अपने जो लोग हैं उनके जो जो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ के रहते हैं उनमें से कई सारे लीडर बोला शेख शाहजहां इज़ अ फ्रीडम फाइटर, शेख शाहजहां तो बादशाह है। तो शेख शाहजहां जब वापस आएगा तुम्हारे उस समय तुम्हारा मीडिया बंधु भी नहीं रहेंगे और ना ही तुम्हें और कोई सपोर्ट करेगा, तब तुम्हारा क्या होगा? क्योंकि इन्होंने आंदोलन किया, इन्होंने इस विषय को बोला है, इनके दो बच्चे हैं और अभी भी जब शेख शाहजहां का अरेस्ट हुआ है, शेख शाहजहां का जो भाई है शेख सिराजुद्दीन और दूसरा आलमगीर, वो भी बड़े इन्फ्लुएंशियल लीडर्स है, वो अभी भी दे आर स्टिल रोमिंग फ्री, वो अभी भी घूम रहा है। तो राष्ट्रपति जी से इनकी क्या बातचीत हुई, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? राष्ट्रपति मैडम के पास इन्होंने अपना जो विषय जो अब तक आपको बता रही थी वो सारे विषय उन्होंने रखे हैं और इनका ये मांग था कि सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट संदेशखाली में होना चाहिए, क्योंकि संदेशखाली बॉर्डर एरिया है। संदेशखाली का जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो इस तरह है, ये तीन नदी के अंदर 9 आइलैंड है संदेशखाली का जो सुंदरबन में आते हैं और ये नदी सीधा बे ऑफ बंगाल में जाके मिलते हैं और सीधा बे ऑफ बंगाल से बांग्लादेश से डायरेक्ट कनेक्टेड है। एक तरफ बांग्लादेश सिक्योरिटी तो बांग्लादेश से वो भी है, एकदम नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। हाँ। तो इनका ये बोलना है कि सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट होना चाहिए। आप अब ठीक है कि शेख शाहजहां गिरफ्तार हो गया है, अब आपको कोई डर तो नहीं है? शेख शाहजहां धरा पड़े थे किंतु हमारे एक भय है, আমরা কোনো দিন মানে রাত্রে ঘুমোতে পারি না, আমাদের বাড়িতে গুন্ডা বাহিনী যায়, আমাদেরকে হুমকি দেয়, তোরা মিটিংয়ে যাস তোদের গণধলাই দেব, তোদের লাল বাতি জ্বালিয়ে দেব তোদের বংশে, তোরা যাস তোদের লাল বাতি জ্বালিয়ে দেব। আর শেখ শাহজাহান ধরা পড়েছে কিন্তু ওরা বলে যে একটা শাহজাহান ধরা পড়েছে তা কী হচ্ছে, হাজার হাজার শেখ শাহজাহান আছে, আমাদের পুলিশ প্রশাসন কোনো মানে ইয়ে দেয় না, আমাদের গেলেই আমাদের শাহজাহান আর ওই শিবু হাজরা উত্তম সর্দারের কাছে যেতে বলে, কিন্তু তারা আমার কোনো আমরা ইয়ে আস্থা পাই না, আমরা রাষ্ট্রপতি ইয়ে চাই আর কেন্দ্র বাহিনী চাই আমাদের এই আবেদন। মতলব ইয়ে খৌফ ইনকা ভি নেহি গয়া হ্যায় ইয়ে কে রহি হ্যায়। আবি তক ওয়াহাঁ পে খৌফ কা পরিস্থিতি হ্যায়, পুরা টেরর হ্যায়, আবি ভি পুলিশ কা পাস জানে সে পুলিশ কা কোই ইনকো সাপোর্ট মিলতা নেহি হ্যায়। और उनका वो जो मैं बता रहा था कि एक शेख शाहजहां चला गया, हज़ारों शेख शाहजहां है अभी, तुम लोगों का लाल बत्ती जला देंगे और तुम लोगों को जब शेख शाहजहां एक जो वो वापस आएंगे, उनका ये है कि शेख शाहजहां वापस आएंगे तब तुम लोगों को कौन बचाएगा। ये इनका कहना है कि मैं रात भर सो नहीं पाती क्योंकि गुंडा वाहिनी कभी भी आ सकता है वापस, इसीलिए इनका गुंडा मतलब जो उनका गुंडे है वो सारे गुंडे कभी भी आ सकते हैं, जैसे बाइक में आके इनको इनके घर घर में आके, क्योंकि उनको पता है कि यही घर है जो आंदोलन पे मीडिया का सामने आए थे बंगाल पे, पूरा खुल के आए थे और अपने जस्टिस के लिए वो वोकल हुए थे। तो लोकल पुलिस यहाँ पे सपोर्ट कर रही है? लोकल पुलिस इज कम्प्लीटली स्टैंड्स एज द म्यूट स्पेक्टेटर, दे आर पूरा पुलिस सेटअप उन्होंने चेंज कर दिया है अभी। ममता बनर्जी खुद एक महिला है, उन पर आपको भरोसा नहीं है? ভরসা নেই, এই কারণে ওনাকে আমরা অনেকবারই আবেদন করেছি সন্দেশখালী আসার জন্য, উনি আমাদেরকে বলেন যে আমরা বহিরাগত কিংবা আমরা ভাড়া করে আমাদেরকে ভাড়া করে নিয়ে আসা হয়েছে, যেহেতু আমরা মুখে এই ওড়না দিয়ে দুপাট্টা দিয়ে কথা বলি তার জন্য আমাদেরকে বলে আমরা ভাড়া করে নিয়ে এসেছি। তা আমি বলবো দিদিকে, দিদি সন্দেশখালী আসুন, আমরা মুখের দুপাট্টা খুলে আপনার সঙ্গে কথা বলবো, আমাদের আই কার্ড, খাদ্য সুরক্ষা কার্ড, প্যান কার্ড, জমির দলিল, আমাদের যা যা আছে আপনাকে ডকুমেন্টস আমরা সব দেখাবো। ইনকা কহনা ইয়ে হ্যায় কি জব ইনহোনে আন্দোলন শুরু কিয়া আর মিডিয়া কা সামনে কহি বার গয়ে তো ইনকা উপর ইয়ে আরোপ লাগায়া কি ইয়ে সন্দেশখালি কা নেই, ইনকো কহি সে রেন্ট পে কিরায়ে মে লেকে আকে ইয়ে এক তরহ কা ন্যারেটিভ বানানে কা কোশিশ কর রহা হ্যায়, কুছ পলিটিক্যাল আর কুছ मीडिया भी साथ में जुड़े हुए हैं जो संदेश कले का छोटे घटना को बहुत बड़ा करके दिखाया जा रहा है। तो इनका अपील है, डायरेक्ट अपील है आपके थ्रू कि ममता बनर्जी यार वो संदेश खाली में आए, ये लोग घूमटा हटा के उनसे बात करेंगे और अपने आधार कार्ड, अपने पैन कार्ड, अपने जमीन का दलील सब दिखाएंगे, क्योंकि यही लोग संदेश खाली का यही लोग 2011 में CPM को हटा के ममता बनर्जी को वोट दिए थे ताकि उनको अपने जीवन और जिंदगी का सुरक्षा मिले। তো আপনি কে রি মমতা বনর্জি আয়ে আর আপসে মুলাকাত করেন? হ্যাঁ, মমতা বনর্জিকে আবেদন করছি আমাদের সন্দেশখালী মায়েদের কাছে, উনি যেন
অতি অবশ্যই আসেন দেখা করতে। আমরা আগেও আন্দোলন করেছিলাম, এখনও আন্দোলন করছি, পরেও আমরা বলবো যে উনি আমাদের সঙ্গে যেন এসে দেখা করে, উনি আমাদের সন্দেশখালী মায়েদের সঙ্গে দেখা করুক। আমরা এটা চাই উনিও আসুক, নরেন্দ্র মোদিও আসুক, আমাদের সঙ্গে দেখা করুক। আর একটা কথা, কুনাল জেসা জেসা আপ পর আরোপ লাগ রহে হ্যায় ক্যা আপ ওয়াহাঁ পর কিরায়েদার হ্যায়? বলছে তোমাদেরকে কি ভাড়া করে নিয়ে আসা হয়েছে? না, আমরা আমাদেরকে ভাড়া করে নিয়ে আস, আমরা ওই জন্যই তো বললাম যে দিদি আসুক, দিদি যখন কথাটা বলেছেন তো দিদি সন্দেশখালী আসুক, আমরা দিদিকে সব কিছু আমাদের যা যা ডকুমেন্টস আছে আমরা সব কিছুই দেখাবো, আমরা মুখের ঘোমটা খুলেও দেখাবো যে আমরা কে, আমরা বহিরাগত না আমরা সন্দেশখালীর বাসিন্দা। 2012 সে ইনকে সাথ ইস তরিকে কা অত্যাচার হো রাহা থা, আপ পুলিশ সাথ মে নাহি থি, লেকিন ইতনা আতঙ্ক কে কোই কুছ কর হি নাহি পায়া না, আচানক কেসে ফির ও তাকত মিলি? রেশন দুর্নীতির কাণ্ডে সাধন শেখের বাড়িতে ইডি সিবিআই আসে, ওদের উপরে যখন হামলা হয় তো যখন সাধন শেখ অধরা হয়ে গেল এখানে সেখানে সন্দেশখালীর মধ্যেই উনি ছিলেন, তো এর বাড়ি ওর বাড়ি লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। তো আমরা থানার আমাদের যে ওসি ছিলেন তো ওসিকে বলছিলাম যে আপনি আমাদের হাতে ছেড়ে দেন, আমরা বের করিয়ে সাধন শেখকে বের করে দিচ্ছি। তো উনি ওনারা আমাদের কথা তো শুনবেনই না, আমার যখন মিডিয়া যায় ওনার ওখানে তখন পুলিশ প্রোটেকশন দিয়ে সাধন শেখকে অন্য জায়গায় সরিয়ে রাখেন। হ্যাঁ, ইনকা ইয়ে বলনা হ্যায় কি জো সো কল্ড বাদশাহ হ্যায়, जो खुलेआम घूमते थे, बाइक के ऊपर स्टैंड करते थे, ऐसे जो बादशाह है, जब ईडी के ऊपर हमला हुआ और वो भाग गए और आपने जो गुंडे हैं उनको ईडी के ऊपर अटैक करने के लिए छोड़ दिए और ईडी के ऊपर अटैक हुआ और वो भाग के चले गए और पुलिस उसको सेफ पैसेज दिया भागने के लिए। फिर इन्होंने बोला, पुलिस को बोला कि आप ऐसे कीजिए कि आप हट जाइए क्योंकि हमारे साथ जो इनजस्टिस हुआ वो हम अब देख लेंगे, क्योंकि उन्होंने सालों साल हमारे साथ ऐसे किया है। पिछले जब 2012-2013 से 6-7 साल से इस तरीका का कार्रवाई हो रहा है, इन्होंने कई बार अपील किया, पुलिस को अपील किया, पॉलिटिकल जो वहाँ पे लीडर्स हैं उनको भी अपील किया। पॉलिटिकल डिविडेंड के कारण कोई शेख साजन को हिम्मत नहीं हुआ कि शेख साजन को इस बात को पूछे। लेकिन अब जो है आप वहाँ से आई हैं हिम्मत करके दिल्ली, राष्ट्रपति से आपकी मुलाकात हुई है और आप कह रही हैं कि दीदी आपसे एक बार मिल लें ताकि आप जो हैं घूंघट खोल के उनको बता देंगी अपना चेहरा और आपके साथ क्या क्या जुल्म हुआ है। और ये तो वो महिलाएं हैं जो रात रात भर पार्टी ऑफिस में बुलाई जाती थी, वहाँ शराब पिया करते थे पार्टी के कार्यकर्ता और ये उनके लिए वहाँ पर एक किस्म की मिठाई होती है वो बनाया करती थी, खूब मारा जाता था, खूब इनका तिरस्कार किया जाता था। आपने सुना, खुद अपनी ज़ुबानी वो कहानी बता रही हैं। फिलहाल तो हम यही कह सकते हैं कि ममता बनर्जी जो खुद एक महिला हैं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उनको ज़रूर संदेश खाली जाना चाहिए, एक महिला होने के नाते इनके दर्द को ज़रूर सुनना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, ख्याल रखिएगा अपना, बहुत बहुत शुक्रिया।